राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की लेवल वन के प्रोविजनल अभ्यर्थियों की सूची। इससे पहले फाइनल परिणाम जारी किया था। जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अध्यापक भर्ती 2022 के लेवल वन में 1914 पदों पर परिणाम जारी नहीं किया। इन पदों में से प्रोविजनल रखे गए अभ्यर्थियों की सूची चयन बोर्ड ने शुक्रवार को कल जारी कर दी। इसमें 1481 अभ्यर्थियों के नाम जारी हुए हैं। इन नामों के आगे उनके दस्तावेजों में जो कमी है वह अंकित की गई है। इस भर्ती में 19,086 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ। शेष पदों पर अभ्यर्थी प्रोविजनल सूची का इंतजार कर रहे थे। विभिन्न मांगों को लेकर रीट लेवल अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़। अध्यापक भर्ती लेवल टू के 4500 पद वापिस जोड़ने व फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड व अध्यापक भर्ती की क्रम से नियुक्ति करवाने की मांग को लेकर रीट लेवल अभ्यर्थियों ने कल शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नियमों में हुई गलती सुधारने के लिए कैबिनेट में बैठक में आ सकता है प्रस्ताव। शिक्षा विभाग बीकानेर। 10 नए प्राथमिक संस्कृत स्कूल खुलेंगे। जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा। कानून संशोधन, सजा के प्रावधान और सख्त हुए। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक व नकल करने वालों को होगी उम्र के तक की सजा। कोटा, युवा शिक्षा अवसर न्यूज। नीट यूजी 4 सितंबर आईडी से अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकेंगे। अब 17 एनआईटी ने ब्रांच चेंज के ऑप्शन बंद किए। बीकानेर, युवा शिक्षा अवसर न्यूज। कंप्यूटर एजुकेशन 11वीं 12वीं में कंप्यूटर ऑप्शनल विषय लेने वालों को नहीं मिली किताबें। सरकारी स्कूलों में 6,750 कंप्यूटर अनुदेशक लगाई। इधर 3 साल से किताबें नहीं पहुंची है। बीकानेर सहित 18 जिलों के स्कूलों में 129 अतिरिक्त संकाय खुलेंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की मॉडल उत्तर कुंजी जारी। स्टेनोग्राफर 1100 से ज्यादा पदों के लिए परीक्षा अक्टूबर में। एमजीएस विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर में 91.54% अभ्यर्थी उत्तीर्ण। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। सीबीएसई संबद्धता के लिए 15 सितंबर तक मांगे आवेदन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम जारी। 10वीं में 65.49%, 12वीं में 76.68% पास हुए। 12वीं में लड़कियां आगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। WNM JNM LSV के 145 पदों पर आवेदनों की छटनी पूरी। अमूल उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़ न हो इसलिए आगामी परीक्षाओं में 5वां विकल्प होगा। RPSC 10% से ज़्यादा प्रश्नों में 5वां विकल्प नहीं भरने पर अभ्यर्थी होगा अयोग्य। राजस्थान लोक सेवा आयोग। अजमेर। अजमेर, युवा शिक्षा अवसर न्यूज़। RPSC सेकेंड ग्रेड विज्ञान परीक्षा 4 से 14 सितंबर तक होगी। काउंसलिंग परिणाम कल परसों जारी हो चुका था। परिणाम जल्द जारी हो इसलिए 10 दिन में 3,293 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। इसके बाद जारी होगा सामाजिक विज्ञान का फाइनल परिणाम। RPSC। खुशखबरी, RPSC ने नई भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की। पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक एवं सहायक आचार्य गृह विज्ञान 6 से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। 533 पदों पर निकली भर्ती। RPSC ने मांगे आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग। अजमेर। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की पूरक परीक्षा के नतीजे घोषित। नवज्योति। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। विद्यार्थियों के लिए ई नवाचार की पहल 5 को शिक्षक के अवकाश या पद खाली रहने पर होगा ई कक्षा का संचालन। जयपुर, युवा शिक्षा अवसर न्यूज। कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा आयोजन की तैयारी पूरी नहीं। अब नए सिरे से कैलेंडर तय करने की कवायद शुरू। सितंबर की चारों भर्ती परीक्षाएं स्थगित। बोर्ड के परीक्षा कैलेंडर में आएगी परीक्षाओं की नई तिथि। 4 भर्ती परीक्षाओं की यह स्थिति। सूचना सहायक, संविदा नर्स भर्ती, कनिष्ठ
लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार सविता महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती। गार्गी पुरस्कार दूसरी किस्त के आवेदन 15 तक, पहली से 8वीं तक के बच्चे ले सकेंगे कंप्यूटर शिक्षा। आरपीएस 6 सितंबर से भरने शुरू होंगे ऑनलाइन फॉर्म, आयोग ने जारी की अधिसूचना। राजस्थान पत्रिका न्यूज, आरपीएससी नई भर्तियां। 25 सितंबर 2022 को हुई थी परीक्षा, 11 महीने बाद नियुक्ति प्रक्रिया। 7 सितंबर तक प्रदेश में नियुक्त किए जाएंगे 4,900 पीटीआई, फिर भी खाली रहेंगे 646 पद। सीकर, उपेन यादव का ट्यूट, स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड पीटीआई संस्कृत। शिक्षा विभाग वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी करवाने के लिए 4 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में सभी अभ्यर्थी आरपीएससी अजमेर पहुंचे। लंबे संघर्ष के बाद कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की नियम संशोधन की अधिसूचना जारी हो गई है और अब 15 सितंबर से पहले भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी। लगभग 3,162 पदों पर कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। खुशखबरी, एग्रीकल्चर फर्स्ट ग्रेड भर्ती के नियम बदलेंगे। नियमों में हुई गलती सुधारने के लिए कैबिनेट बैठक में आ सकता है प्रस्ताव, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला। भूपेन यादव का ट्यूट, अध्यापक भर्ती लेवल 2 का विषयवार अनुसार जांच का कार्य जारी है और लगभग लेवल 2 दो बड़े विषयों का जांच कार्य पूर्ण हो चुका है। उम्मीद है 20 सितंबर से पहले सभी विषयों का परिणाम जारी हो जाएगा। प्रयास करेंगे अगले वीक में किन्हीं विषयों का परिणाम जारी हो जाए, अन्यथा उसके अगले वीक में परिणाम जारी हो ही जाएगा। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती फाइनल परिणाम लेवल 2।